नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, आज हम वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, ये फ्री होता है। आपको सिर्फ यहाँ पर ये सब्सक्राइब बटन को दबाना होता है, और जब भी आप कोई वीडियो देखते हो तो वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब का बटन आता है, आपको उसको क्लिक करना होता है। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर रूट होता क्या है। एक्चुअली जो इस तरह की साइन होती है उसे हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, लाइक स्क्वायर रूट ए, इसे रेडिकल भी कहते हैं। स्क्वायर रूट ए मीन्स व्हाट? स्क्वायर रूट ए मीन्स ए पावर हाफ। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो उसकी पावर आपको हाफ करनी है। जैसे कि आपने देखा है कि 5 स्क्वायर 25 होता है, लेकिन अगर 25 का स्क्वायर रूट निकाले तो हमें 5 मिलता है। अब वो कैसे मिलता है मैं आपको बताऊं। ये जो 25 है, मैं इसे लिख सकता हूं अंडर रूट 5 × 5, मतलब जिसकी यहां पर पेयर बन गई। मैं इसको सेपरेटली अगर लिखूं तो हो जाएगा √5 × √5, और 5 ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब क्या हो गया, 5 पावर हाफ, और यहां भी क्या हो गया, 5 पावर हाफ। हमने इंडाइसेस में पढ़ा है कि व्हेन द बेस इज सेम एंड इंडेक्स इज व्हाटएवर इफ इट इज डिफरेंट, व्हेन द बेस इज सेम वी ऐड द इंडेक्स। जब बेस सेम होता है तो हम पावर को प्लस कर देते हैं, तो 5 पावर हाफ + हाफ इट विल बी 5 पावर 1 मीन्स 5। मतलब क्या होगा कि 25 जो स्क्वायर रूट है इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको अगर स्क्वायर पता है तो आपको उसका स्क्वायर रूट भी पता होगा, अगर और 1 से लेकर 30 तक के तो आपको एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। स्क्वायर रूट निकालने की 2 मेथड होती है, एक होती है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी होती है डिविजन मेथड। आज हम दोनों ही मेथड सीखने वाले हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, जिन लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन आता है उनके लिए बहुत सिंपल होती है। सपोज आपको 64 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 64 के प्राइम फैक्टर्स करना होंगे, और प्राइम फैक्टर्स जब आप करेंगे तो देखिए यहां मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ये 2 3 6, 2 2 4, अगेन आई विल डिवाइड बाय 2, आई विल गेट 16, अगेन आई विल डिवाइड बाय 2, आई विल गेट 8, आई विल अगेन डिवाइड हियर 2 बाय 2, आई विल गेट 4, 2 2 2 1। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आंसर 1 नहीं आता। और एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर अगर इवन नंबर है तो यू विल डिवाइड बाय 2, अगर ऑड नंबर है तो यू विल चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। अगर 3 से नहीं होगा तो 5 से चेक करना है, 5 से नहीं होगा तो 7 से चेक करना है, 7 से नहीं होगा तो 11 से चेक करना है, 11 से नहीं होगा तो 13 से चेक करना। मींस व्हाट यू टू डू, यू टू यूज ऑल दिस प्राइम नंबर्स टू डिवाइड इट। तो फर्स्ट, सबसे पहले आपको 2 से ही डिवाइड करना है। तो √64 को आप क्या लिखेंगे, √64 को आप लिख सकते हैं यहां पर अंडर रूट में 2 × 2 × 2 × 2, 6 टाइम हमको लिखना है 2। और मैंने आपको अभी बताया कि पेयर अगर बनती है तो हम उसको एक बार बाहर लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2, तो ये हो गया 2 × 4 × 8। तो जो स्क्वायर रूट 64 होता है उसका आंसर होता है 8। अभी इससे हम कितना भी बड़ा क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो हम उसको निकाल सकते हैं। डिवीजन मेथड किस तरह से करना होती है, डिवीजन मेथड भी बहुत सिंपल है। डिवीजन मेथड में करना क्या होता है कि आपको जो नंबर दिए हैं उनको पहले आप लिख लीजिए। लाइक मेरे पास पहला नंबर सपोज मुझे देके रखा है 441, दूसरा नंबर देके रखा है 1296, और तीसरा देके रखा है 65536। देखिए 3 नंबर है, मैं इन तीनों नंबर का आपको अभी स्क्वायर रूट निकाल के बताऊंगा। तो निकालने की मेथड सिंपल है कि आपको इस तरह से इसको लाइन ड्रॉ कर लीजिए पहले, जो हालांकि ये डिवीजन मेथड जो बोलते हैं डिवाइड जैसे करते हैं हम, बिल्कुल वही पैटर्न से इसको, इसका डिवीजन मेथड से इसका आंसर फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें पेयर करते हैं, और जो यूनिट प्लेस है उस साइड से पेयर करते आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 का पेयर किया, 2 का पेयर किया, अकेला रह गया तो 1 का पेयर कर दिया, 2 का पेयर किया, 2 का पेयर किया, यहाँ 2 का पेयर किया, अकेला रह गया तो 1 का पेयर किया। ये पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए यहां है 4, स्क्वायर रूट मेथड में जो यहां जो नंबर होता है वो किसी ना किसी नंबर का अगर स्क्वायर है तो आपको उसी नंबर को लेना है। तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 × 4, और मैं यहां पर इसी 2 को प्लस भी करूंगा। और डिवीजन में हम क्या करते हैं, यहां जो भी लिखते हैं हम उसको सबट्रैक्ट करते हैं, तो 4 में से 4 गया तो 0 हो गया,
ये आ गया नीचे 41, 2 प्लस 2 के क्या हो गई 4। अब देखिए यहां जो डिवीजन मेथड है उसमें एक बात ध्यान रखिए कि फर्स्ट जो यहां होता है इसमें वन डिजिट यूज करते हैं, सेकंड जो होगा उसमें टू डिजिट यूज करेंगे, थर्ड जो आएगा कैलकुलेशन उसमें थ्री डिजिट यूज करेंगे। अब देखिए इसको मैं 40 ले सकता हूं या 41 ले सकता हूं, ठीक है। तो 41 में यहां 1 प्लस करूंगा, यह आएगा 42 और यहां इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा आगे 0। एक बात ध्यान रखिए आंसर आया 21, इसका डबल आपको यहां देखने मिलेगा 42, लेकिन आंसर है इसका 21। मींस क्या, स्क्वायर रूट 441 अगर होगा तो हम इसको लिखेंगे 21। अभी यहां पर है 1296। अब देखिए 12 किसी का स्क्वायर नहीं, तो 12 के पहले फिर कौन सा नंबर है 11, 11 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 10, 10 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 9, यस 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, तो यहां हम लिखेंगे 3, 3 इज 9 और यहां हम 3 प्लस करेंगे, 3 प्लस 3 हो गया 6, यहां भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 9 गया तो बचा 3, इस 96 को आपको यहां लाना है, ये हो गया 396। अब देखिए 6 है यहां, मैंने आपको क्या कहा यहां वन डिजिट, अगर यहां 10 से बड़ा नंबर आया तो यहां 3 डिजिट लेते हैं, नहीं तो फिर 2 डिजिट चलता है, तो यहां आ गया 6। अब यहां हम 2 डिजिट लेंगे, मतलब हमें यहां 60 का टेबल लेके चलना है, तो 60 लिख सकते हैं नहीं, तो फिर 61 अगर लिखा तो क्या होगा, 61 अगर लिखते हैं तो ये होगा 61, 62 टूजा लिखते हैं तो ये होगा 124, 63 थ्रीजा लिखते हैं तो ये होगा 189, 64 फोरजा लिखते हैं ये हो गया 256, 65 फाइवजा लिखते हैं ये हो गया 325, 66 सिक्सजा लिखते हैं 66 36 कैरी 3, 66 36 एंड 3 39, ठीक है 66 396, और उसी नंबर को हमें यहां प्लस करना है, ये आ गया 72 और यहां आ गया 0, देखिए 36 का डबल 72, तो अंडर रूट 1296 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, वो हो गया 36, ठीक। तो इस तरह से हमको इसको निकालना है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है 5 डिजिट का है, थोड़ा बड़ा है लेकिन उतना ही सिंपल भी है, तो कैसे निकालेंगे हम इसे, 6 किसी का स्क्वायर है, नो 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 उससे छोटा नंबर 5 है, 5 किसी का स्क्वायर है, नो वो भी नहीं है, 4 यस, तो हम यहां लिखेंगे 2, 2 जा 4, यहां 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस 2 4, ये हो गया यहां पर 2 बज गया इस 55 पूरा पेयर का पेयर नीचे आएगा। अब 4 का जो टेबल है यहां, 4 के आगे 41 से चलना होगा हमें, तो हम 41 ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, 42 टू जा लेंगे 84, 43 थ्री जा लेंगे 129, 44 फोर जा लेंगे 176, 45 फाइव जा लेंगे 225, 46 सिक्स जा 36, 3 कैरी 6 फोर जा 24, 276। अभी देखिए 255 है, तो मैं 276 नहीं लिख सकता क्योंकि वो नंबर इससे बड़ा है, हम डिवीजन में क्या करते हैं कि इससे बड़ा नंबर नहीं लिखते, इससे छोटा नंबर ही लिखते हैं डिवाइड करते समय, तो 225 लिखेंगे, 45 5 जा 225, और यहां पर 5 हम प्लस कर देंगे, ये हो गया 50, माइनस किया 03। अब इस 36 को नीचे लाना है, ये हो गया 3036। अब देखिए यहां 50 आ गया, तो अब आपको यहां 3 डिजिट के नंबर का टेबल लेके चलना, मतलब 501 का लेके चलना है, तो अगर मैं 501 वनजा करूंगा तो 501 ही आएगा, 502 टूजा करूंगा तो 500 ये होगा 1004, 503 थ्रीजा करता हूं तो 1509, 504 फोरजा करता हूं तो 2016, 505 फाइवजा करता हूं तो 2525, और 5006 सिक्सजा अगर करता हूं तो 3036 आता है, तो 6 6 3036, यहां पर हम 6 प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये सारा हो गया 0, 512। तो इस तरह से आपको डिवीजन मेथड निकालनी है। अभी डिवीजन मेथड का कुछ एक चीज देख लीजिए कैसे करना है। डिवीजन मेथड में फर्स्ट रूल ये है कि आप पेयर बनाइए, देखिए मैंने पेयर बनाया, और यहां लिखते समय सेकंड बार यहां लिखते समय हम जो करेंगे
जिसका हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ का यहाँ का नंबर सेम होना चाहिए और वही नंबर यहाँ ऐड होगा। जैसे 41 यूनिट प्लेस वही होना चाहिए, 41 1 1 और वही ऐड भी होगा। ये देखिए 3 3 9, ये 9 यहाँ लिखा और 3 प्लस किया गया 6 66 6, देखिए यूनिट प्लेस एक ही होना चाहिए। यहाँ जो नंबर लिया वही नंबर यहाँ आना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर 5 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, वैसा चलेगा नहीं। तो इस तरह से डिविजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड है, इन दोनों मेथड से लेट मी राइट हियर 65,536 का स्क्वायर रूट हो गया 256। तो इस तरह से हमको ये सॉल्व करना है। आई होप फैक्टराइजेशन मेथड और डिविजन मेथड आपको पसंद आई होगी, और इसके और कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, कुछ पैटर्न्स हैं, मैं आपको बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है दैट 225 और यहां आ जाता है 14, कैसे करेंगे? पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 25 टू द हो गया 50 और ये हो गया 64/25। तो आपको अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको 64 का और 25 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 64 का जब आप निकालेंगे तो 8 आएगा और 25 का जब आप निकालेंगे तो 5 आएगा। आई होप आपको स्क्वायर रूट का ये वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज। धन्यवाद।